अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दालीम बनाना सिखा रहे हैं, जिसको हलीम भी कहा जाता है। दालीम बनाने के लिए हमने 1.5 कप गंदम ली है, जिसको पूरी रात पानी में भिगो दिया था और इसका पानी निकाल दिया है। यहाँ हमने 1.5 कप चने की दाल, 3 टेबलस्पून मसूर की दाल, 3 टेबलस्पून मूंग की दाल, 3 टेबलस्पून माश की दाल और 3 टेबलस्पून चावल लिए हैं। इनको भी 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो दिया था और इनका भी पानी हमने निकाल दिया है। सबसे पहले हम दालों को पकने के लिए रख देंगे। एक पतीली में हम गंदम और सारी दालें डाल देंगे। पतीली में हमने गंदम और दालें डाल दी हैं। अब हम इसमें 4 से 5 लीटर पानी डाल देंगे। दालों में हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 से 2 घंटे तक दालों को पका लेंगे, ताकि दालें अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आपको लगे पानी कम है तो आप इसमें मज़ीद पानी डाल दें। अब हम इसको कवर करके 1 से 2 घंटे तक पका लेंगे। दालें हमने पकने के लिए रख दी हैं। अब हम कोरमा बना लेंगे। कोरमे के लिए हमने 2 किलो गाय का गोश्त लिया है और इसको इस तरह बड़ी बोटियों में काट लिया है, और इसमें कुछ छोटी बोटियां भी हैं। 1 अदद कटी हुई प्याज, 1 कप ऑयल, 1/2 कप दही, 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच नमक, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर। दालीम के लिए हम गरम मसाला बना लेंगे, जिसके लिए हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 3 से 4, सबुज इलायची 10 से 12, बड़ी इलायची 4 से 5, जायफल और जावित्री 1/1 चाय का चम्मच, लौंग 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्चें 2 चाय के चम्मच, 3 से 4 तेज़पात। इन सबको हम पीस लेंगे। गरम मसाला हमने पीस लिया है। कोरमा बनाने के लिए हमने एक पतीली में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हल्का सा सोते कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने सोते कर लिया है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। प्याज और अदरक लहसुन के साथ गोश्त को फ्राई कर लेंगे। प्याज लहसुन और अदरक के साथ हमने गोश्त को इतनी देर फ्राई किया है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल देंगे जो हमने पीस के रखा था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। मसाला हमने भून लिया है। अब हम इसमें दही डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त के साथ हमने दही को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 से 2 लीटर हमने पानी डाल दिया है और इसको इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त बिल्कुल गल जाए। हम इसको कवर करके गोश्त के गलने तक पका लेंगे। दालें अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से पीस लेंगे। आप चाहें तो घोटने से भी इसको पीस सकते हैं। हैंड ब्लेंडर से हमने दालों को पीस लिया है। अब हम गोश्त को देख लेते हैं। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसका शोरबा निकाल लेंगे। अब हम बोटियों को मैश कर लेंगे। गोश्त को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसको दालों वाले मिक्सचर में डाल देंगे।
साथ में ये शोरबा जो हमने कोरमे से निकाला हुआ था ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला जो हमने दलीम के लिए पीसा हुआ था वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 30 से 40 मिनट तक हम हल्की आंच पर दलीम को घोट लेंगे। दलीम को हमने अच्छी तरह से घोट लिया है। आप इसको जितना ज़्यादा घोटेंगे ये उतना ही लेसदार बनेगा। आप इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा नमक कम था इस वजह से हमने 1 टेबल स्पून नमक और डाला था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अब हम इसको निकाल लेंगे। दलीम को हमने निकाल लिया है। अब हम इस पर गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे। दलीम को हमने गार्निश कर दिया है और इसके साथ जो लवाजमात सर्व किए जाते हैं उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन में कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्राई की हुई प्याज और कुछ लेमन को हमने काट के सर्व कर दिया है। आप इसके साथ चाट मसाला भी रख सकते हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपका हलीम या दलीम कह लें कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।